अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमारी कॉफी के साथ और आज जो है ना काम शुरू हो गया। कल पूरी मेरा काम कम्प्लीट हो गया था, तो आज जो है ना ईंटें वगैरह उतर रही हैं, ये तीनों काम शुरू हो गया। और ये जो है ना ये जगह बना रहे हैं मोटर लगाने के लिए, मीटर भी वैसे लगा गए यहाँ के। तो जो है ना ये बोरिंग का पाइप है, ये पाइप शिप और वो उधर मोटर पड़ी हुई है वो। तो अभी जो है ना मोटर से कनेक्ट करके तो चलाते हैं इसको और फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों कैसे। हवा बड़ी तेज़ चल रही है बाद में आ रही हूँ, तो वो जो है ना पानी डाल रहे हैं, मोटर लग गई है वो अच्छी है। और ये दूसरा ट्रक उतर रहा है इंडो का, वो पहला उतर गया है, ये देख रहे हैं पानी डाल रहे हैं। ये पानी डलेगा तो उसके बाद जो है ना खुदाई शुरू होगी, आज होगी या कल होगी ये नहीं मुझे पता। कब होनी खुदाई? आज नरम हो जाएगा, सारा कल होगी, फिर आगे चार दिन जो है ना तीन दिन में खुदाई होगी और बाकी सामान कल आएगा, रेत वगैरह रेत और सब्जी खुल जाएगी। आज जो काम है आज बड़ा सिंपल सा काम है, ज़्यादा लंबा काम नहीं है। तो जो है ना तो सारे कारीगर चले गए खाना खाने के लिए, मैं अकेला बैठा हूँ इधर। ये ना ईंटें आ गई, ये इधर रखी गई हैं, ये इधर मोटर रखी हुई है। तो अब मैंने करवाना है बाकी काम सारा, अब देखते क्या सीन है, फिर ही कुछ होगा क्योंकि अब मोटर वगैरह लगी हुई है सारी। मसला तो कोई नहीं है लेकिन जो है ना एहतियात के लिए बैठना पड़ेगा। अब कल चौकीदार आ जाएगा तो फिर जो है ना वो सारा संभालेगा इसको, फिर मशीन वगैरह की ख्याल करेगा, पानी की टंकी वगैरह हर चीज़ जो है ना आई कर ली। अभी तो बाइक बैठा हूँ। तो अभी सीन ये है कि पानी वगैरह सारा भरा जा रहा है क्योंकि है ना ज़मीन बड़ी सख्त थी, तो जो है ना पानी भर रहे हैं सारी ज़मीन के अंदर ताकि नरम हो जाए। तो नरम होने के बाद उसके ऊपर जो है ना सारा बुनियादों में काम शुरू होगा। तो सारा पानी भरा हुआ टोटल और मैं इस पानी के बीच में खड़ा हूँ, तो यहाँ बनना है अभी ये पानी प्रेशर चेक करो कितना आ रहा है। बोरिंग का प्रेशर बड़ा ज़्यादा होता है ना, तो बोरिंग से काम हो रहा है अभी, वो जो है ना नहीं खत्म क्या कर रहे हैं। तो जो है ना ये पाइप है, अब इस पाइप को यहाँ डाल रहे हैं, भर नहीं गया ये, इसमें डाल दो अब उठा के, लेकिन नरम बड़ा होगा। फिर आज का सीन ये है कि आज का जो काम था ना वो सारा हुआ है बुनियादों का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब बुनियादों के काम में जो है ना सबसे पहले हमने सबसे पहले जो किया है लाइनें लगाई, धागे वाला काम वो मैंने बता दिया। उसके बाद चूना हुआ वही मैंने आपको बता दिया। अब पानी डालने का काम है, जहाँ जहाँ से ज़मीन होती है ना हार्ड होती है वहाँ पानी डाल के ज़मीन को नरम किया जाता है। अब ज़मीन नरम कर ली उसके बाद खुदाई शुरू होती है। और अब हमारी आज ईंटें आई हैं, मैंने आपको दिखा दी हैं ईंटें आई हैं। दो तरह की ईंट होती है, तीन तरह की, किंगर, अव्वल और दोम। दोम ईंट होती है जो कच्ची होती है, अव्वल ईंट होती है जो सबसे अच्छी होती है, जो कच्ची भी नहीं होती और ख़राब भी नहीं होती। और एक ईंट होती है जो है ना आपकी किंगर, किंगर सबसे जो है ना मज़बूत ईंट होती है, टेढ़ी बिंगी होती थोड़ी सी। अब सारी ईंटों का मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद जो है ना सीमेंट का इस वक्त जो करंट रेट है वो चल रहा है 1000 से 1050 या 1100। ये तीन रेट है, मैपरली सबसे अच्छा सीमेंट होता है, उसके बाद आता है आपका डीजी और डीजी के बाद आप यूज़ कर सकते हो लकी सीमेंट। ये तीन सीमेंट है, नंबर मैं आपको नीचे दे दूँगा जिनसे हमने लिया उनसे आप भी ले सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर रेत 15000 रुपये का ट्राला आ रहा है इस वक्त, और तकरीबन आपकी लगती है रेत 15 से 16 ट्राले 8 मरले पर। उसके बाद अगर आपने लगाना है बजरी डालनी है तो बजरी आती है आपकी 120 से 116 रुपये स्क्वायर फीट,
और आपने पत्थर डलवाना है तो पत्थर आता है 93 से लेकर 100 रुपीस तक स्क्वेयर फिट। और अगर आपने जो है वो दूसरा डलवाना है बजट जो बड़ी होती है जैसे सड़कों में डलती है वो मिलती है 17,000 का टोला मिलता है, वो आप डलवा सकते हैं। नंबर मिल जाएगा आपको बंदे का जिससे आप काम करवा सकते हो। उसके अलावा आज जो हमारा यही काम हुआ है बुनियादों का, अभी हमारा बुनियादों का भी काम कम्प्लीट नहीं है, अभी कल जो है ना पानी लग गया, अब कल खुदाई शुरू करेंगे। 3 दिन खुदाई का काम है, वो खुदाई का काम करने के बाद फिर ईंटों का काम शुरू होगा, फिर ईंटें लगना शुरू होंगी। अभी हमारी 10,000 ईंट आ चुकी है और कल हमारी जो है ना बाकी सामान जो है ना मुझे लिख के दे दिया भाई उसने अकरम भाई ने, तो वो सामान ही बाकी मैंने कल जाके ले आना है। तो फिर आप लोगों से जो है ना मैम एक आप लोग और चीज़ में इजाफा कर दूँ कि जब आप लोग घर बनवाते हैं ना शुरू में तो उसके लिए आपको चौकीदार वगैरह रखना पड़ता है। उसमें चौकीदार के लिए आपको एक टेंट चाहिए होता है जिसमें चौकीदार रहता है, एक पानी का बड़ा वाला जो है ना फिल्टर जो है ना जो क्या कहते हैं यार उसको पानी की टंकी पड़ी वाली ठंडे पानी की जो होती है वो। उसके अलावा आपको एक पंखा चाहिए होता है, एक चारपाई चाहिए होती है और 20 से 22,000 रुपये जो है ना वो लेता है। अब हमने तो 20,000 रुपये किया, आप मुझे नहीं पता आप लोग कितने में करते हो, तो उसमें खाना भी उनका बीच में ही होता है। तो ये आपका सीन है। और ये बुनियादों का काम कर रहे हैं इनका तकरीबन मेरे ख्याल है 30 से 40,000 रुपये लेते हैं ये जो शुरू से लेके एंड तक बुनियादों का सारा काम करते हैं।